नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं सन 2012 से कंपटीशन की मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आज हम बार के बारे में पढ़ने वाले हैं। बार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जनरली हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, 1 से 2 प्रश्न। तो हम बार को बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए पहले समझते कि बार होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हमें 20 में 6 से भाग देना है, कितने टाइम जाएगा, 6 दिया 18, कितना से बच गया 2। अब क्या इस 2 में इस 6 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अब जब भाग नहीं जाता है तो ऐसी स्थिति में हम दशमलव लगाते हैं और दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 6 दिया 18, कितना बचा 2। फिर दशमलव, जब एक बार हम दशमलव लगा दी तो कितनी बार ही 0 लगा सकते हैं, एक बार और 0 लगा दी, 6 दिया 18, कितना बचा 2। अब क्या होगा, ये भाग आप जितनी बार भी भाग देंगे हर बार 2 शेष बचेगा, ठीक है, और ये भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा ये भाग। और जब ऐसी स्थिति मैथमेटिक्स में आती है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस संख्या पर बार लगा देते हैं। ये है बार का निशान, ये 3 पे बार लगा है, इसका ये मतलब है कि बार बार 3 आएगा भाग देने पे, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। तो आपको समझ में आया बार क्या होता है, कि भाग देते समय एक ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो और भाग कभी भी खत्म नहीं हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हम बार लगाते हैं। देखिए, बार का क्वेश्चन पहले तो ये नियम बोलता है कि जो बार का प्रश्न है वो 0 दशमलव में होना चाहिए। देखिए कैसे, 0.245 पे बार, मतलब प्रश्न कहाँ से शुरू होना चाहिए, 0 दशमलव से। सपोज कि ऐसा प्रश्न आए कि 10.245 पे बार को हल कीजिए, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया, तो हमारा नियम क्या बोलता है कि जो बार का प्रश्न है वो 0 दशमलव में होना चाहिए। क्या ये 0 दशमलव में है? नहीं, यहाँ पे 10 लिखा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10 अलग कर लीजिए, 10 प्लस इसको अलग कर लीजिए 0.245। अब ये जो आपका प्रश्न है वो 0 दशमलव में बन गया। पहला नियम क्या हुआ बार को सॉल्व करने का, कि बार का प्रश्न 0 दशमलव में होना चाहिए, या तो 0 दशमलव दे गई पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि नहीं देगा तो हम उसको 0 दशमलव में बदलेंगे। जैसे प्रश्न आएगा 2.43 पे बार, तो क्या ये 0 दशमलव में है? नहीं है, तो 2 को अलग कर लीजिए और 0.43 के बार को अलग कर लीजिए। तो ये है बार का पहला नियम सॉल्व करने का, कि बार का प्रश्न 0 दशमलव में होना चाहिए। अब दूसरा नियम देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। जैसे कि प्रश्न आया 0.245 पे बार को हल कीजिए, बार का ये पे लगा है 5 पे, पहले तो हम ये देख लेंगे प्रश्न 0 दशमलव में है, हाँ है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, ये जो पूरी संख्या आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, 245 दिखाई दे रही है, इस पूरी संख्या में से वो संख्या घटानी है जिस पर बार नहीं लगा है। देखिए काय पे बार नहीं लगा है, 2 और 4 पे बार नहीं लगा है, तो इस 245 में से हम कितना घटा देंगे, 24 घटा देंगे। और एग्जांपल देखिए अपन, जैसे 0.2456 पे बार, अब क्या नियम बोलता, पूरी संख्या में से वो संख्या घटानी है जिस पे बार नहीं लगा, तो पूरी संख्या क्या है, 2456, इसमें से हम क्या घटा देंगे, 24 घटा देंगे, क्योंकि 2 और 4 पे बार नहीं लगा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 4 पे बार नहीं था, हमने घटा दिया। देखिए अब देखते हैं ऊपर कि कितनी संख्या बार के अंदर है, जितनी संख्या बार के अंदर है नीचे उतनी बार 9 लिखना है। यहाँ पे 1 संख्या बार के अंदर है 5, तो कितनी बार 9 आएगा, यहाँ पे इस वाले प्रश्न में देखिए, इसमें 5 और 6 बार के अंदर था, मतलब 2 संख्या बार के अंदर है, तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार। यदि 3 संख्या बार के अंदर है तो 9 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो नियम ये बोलता है कि जितनी संख्या बार के अंदर है
उतने टाइम आपको नीचे नो लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नो। क्यों लिखा नो? क्योंकि हमारी एक संख्या बार के अंदर थी। अगला नियम ये बोलता है कि जितनी संख्या बिना बार की है उतनी बार जीरो आएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में दो और चार बिना बार के, दो संख्याओं पे बार नहीं है, तो हम दो बार जीरो लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले प्रश्न में, यहाँ भी दो और चार पे बार नहीं था, मतलब दो संख्या बिना बार की, तो हम कितनी बार जीरो लगाएंगे? दो बार। मतलब नियम ये बोलता है कि नीचे जितनी संख्या बिना बार में है उतनी बार जीरो आएगा। एक बार पूरा नियम अपन फिर से पढ़ते हैं। पूरा नियम क्या बोलता है कि पहला तो नियम यह है कि प्रश्न आपका जीरो दशमलव में होना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि पूरी संख्या में से हम वो संख्या घटाएंगे जिस पर बार का निशान नहीं लगाए। ये प्रक्रिया हमें ऊपर करनी है। अब हम नीचे देखेंगे कि कितनी संख्या बार के अंदर है। जितनी संख्या बार के अंदर है उतनी बार नो आएगा। यहाँ पे एक संख्या बार के अंदर है इसलिए एक बार नो आया। दो संख्या बार के अंदर तो यहाँ कितनी बार नो आया? दो बार। और फिर जितनी संख्या बिना बार के है उतनी ही बार के आएगा, जीरो आएगा। यही है बार का नियम। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। 245 में से 24 घटाइए, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, ये बचा 221 बटे 900। अब देख लीजिए कि क्या ये संख्या किसी पहाड़े से कट रही है। देखिए कट रही है क्या? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पे एक है और यहाँ क्या है? जीरो। एक ये विषम संख्या है और ये जीरो सम संख्या में आता है। वैसे जीरो जो है ना सम में आता ना ही विषम में, उसको अपन आगे पढ़ेंगे, पर ये किसी भी पहाड़े से कटेगा नहीं। यदि कटता तो हम उसको काट देते। तो इसका आंसर क्या हो गया? 221 बटे 900।